अरे बहू, अरे कितना इंतजार कराएगी मने? हाँ बाबू जी बोलिए। बड़ा इंतजार कराती है तू। हे गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूँ वेब सीरीज पहरेदार की। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ लड़का अपने बाप को लेकर लड़की देखने आया था। दोनों को पहले से ही एक दूसरे पसंद थे। अब लड़का लड़की प्राइवेट चैट करने जाते हैं और यहाँ पंकज का बाप बोलता है, हमारे यहाँ एक पुरानी रिवाज है जो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। हमारे यहाँ लड़का काम के सिलसिले में लंबा समय शहर में बिताते हैं तो लड़की का ध्यान उसका ससुर ही रखता है, पति जैसा। लड़की के माँ बाप को लगा सिर्फ पति जैसा ध्यान रखने को बोल रहे थे, लेकिन पति जैसा लेगा ये तो बताया नहीं उन्होंने। अब यहाँ हमें एक और ससुर जी देखने मिल जाएंगे जिनका नाम था रमेश जी, जो अपनी बहू का बेड पे वेट कर रहे थे। अब रमेश जी की छोटी बहू सीमा आती है और दोनों तो ऐसे चालू हो जाते हैं जैसे ये इनकी रोज की बात थी। और सीमा भी पूरा कोऑपरेट कर रही थी और ससुरा तो ऊपर से नीचे उसको बराबर लेता है और देर तक पलंग तोड़ करके ये लोग को चरम सुख मिलता है। अब यहाँ पंकज और शिखा की शादी हो रही थी। 5 फेरों के बाद ससुर को भी बहू के जोड़े से बांध कर 2 फेरे लेने पड़ते हैं रीति रिवाज के हिसाब से। शिखा को तो इसके बारे में पता ही नहीं था तो बोलती है, ये क्या बकवास है। तो पंकज बताता है, अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये हमारे गांव का रिवाज है, लड़कों को काम के लिए शहर जाना पड़ता है तो उनके ससुर ही उनकी सारी जरूरतें पूरी करती हैं। शिखा भी मजबूरन ये बकवास मान के 2 फेरे ले लेती है, उसे तो ये सब बस ऐसे ही लग रहा था। अब शादी घेर के ये तीनों एक ही रिक्शा में अपने गाँव पहुँचते हैं जहाँ नए जोड़े का स्वागत होता है और इनके पड़ोसी रमेश जी पंकज के बाप को बोलते हैं, अब तुम्हें ही ख्याल ना पड़ेगा बहू का जब पंकज काम के सिलसिले में बाहर जाएगा। बूढ़ा उस शिखा को बताते हैं, ये उनके पड़ोसी रमेश जी हैं और उनकी बड़ी बहू फुलझड़ी और छोटी बहू सीमा। अब फुलझड़ी आरती उतार के बहू को अंदर लेती है। बाद में ये फुलझड़ी शिखा को बोल रही थी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें याद कर लेना, हम यहीं बाजू में ही रहते हैं। शिखा उसे बताती है कि ये रीति रिवाज उसे बकवास लगा और पंकज भी उसे नहीं मानते। लेकिन फुलझड़ी को भी पता है कि कुछ समय बाद आगे शिखा का भी क्या होने वाला है क्योंकि उसकी भी रमेश जी बराबर लेते थे। तो इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 जल्दी लेकर आएंगे, बने रहिए चैनल के साथ।